और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले सरकारी अफसरान के नाम सामने लाने की हिदायत करते हुए कहा कि गरीबों का हक लूटने वालों की छूट नहीं हो सकती। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सरकारी अफसरान के फ्रॉड के मामले पर प्रोग्राम से निकाले गए सरकारी अफसरान की रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रिपोर्ट पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए मुलविस अफसरान के नाम सामने लाने की हिदायत करते हुए कहा कि गरीबों का हक लूटने की छूट नहीं दे सकते। लूट मार करने वालों के नाम सामने लाएं, बा असर सरकारी अफसरान के नाम पर्दे में नहीं रहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर अमल दरामद फौरी शुरू कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड करने वाले सरकारी अफसरान के नाम सामने लाने के साथ साथ इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। गुज़िश्ता दिनों बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाने वाले गैर मुस्तहिक अफराद से मुतालिक तहलका खेज तफसीलात सामने आई थी, जिसके मुताबिक ग्रेड 17 से 21 के 2543, ग्रेड 18 के 342 अफसरान, ग्रेड 21 के 3, ग्रेड 20 के 59 अफसरान सैमाही वजीफा वसूल करते रहे, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 अफसरान और ग्रेड 17 के 1240 अफसरान ने भी BISP से फायदा उठाया।